हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममताज़ किचन। आज हम लोग ब्रेड पकोड़ा बनाएंगे आलू भर के। तो इसके लिए मैंने आलू लिया है और इसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया है और उसमें धनिया, नमक, मिर्च और गरम मसाला डाला था। अब ये देखिए, चार प्लीस ब्रेड स्लाइस लिए हैं। ब्रेड मैंने ब्राउन ब्रेड ली है और इस पे लगाने के लिए धनिया की चटनी ली है। एक पीस पे मैं धनिया की चटनी लगाऊंगी और एक पे मैं टोमेटो सॉस लगाऊंगी। तो ये मैंने देखिए टोमेटो सॉस ली है और एक साइड मैंने कॉफ़ी चढ़ा दी है। ब्रेड पकौड़ा को मैं कॉफ़ी के साथ सर्व करूंगी। और मैंने ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया है। और ये देखिए, मैंने बेसन बनाया है। बेसन में मैंने अजवाइन, नमक, लाल मिर्च डाला है और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई सोडा, कोई ऑयल, कुछ नहीं डाला। बस इसको फेटा अच्छी तरीके से है और इसकी आपको कंसिस्टेंसी सही रखनी है। अब देखिए, दो पीस पे मैंने टोमेटो सॉस लगा ली है और दो पे मैंने चिली सॉस लगा ली है। ये टोमेटो हरी धनिया वाली चटनी लगा ली है। अब फिर मैंने दो पीस पे आलू वाला मसाला लगा लिया है और फिर मैंने एक दूसरे को कवर कर दिया है उससे। ब्रेकफास्ट के लिए ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। या कोई कभी आपके घर में मेहमान आ जाए तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए, बेसन को मैंने फेटा अच्छे तरीके से है और इसकी कंसिस्टेंसी सही रखनी है। बहुत ज़्यादा फ्लोई नहीं रखनी है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखनी है। तो देखिए, अब हम इसके अंदर अपना ब्रेड का पीस डालेंगे जो मैंने डबल करके बना के रखा था और इसको अच्छे से फॉक से प्रेस करके उसको दोनों तरफ से मिला के ऐसे पलट के सब तरफ इसमें बेसन लग जाना चाहिए। और इसको मैं गरम तेल में डालूंगी। ऑयल मेरा हीट होना चाहिए, गरम होना चाहिए हमारा ऑयल। ये देखिए, मैंने डाल दिया है इसमें ब्रेड में वीडियो भी बनाते जाते हैं। कॉफ़ी भी हमारी बन रही है साइड में। इसको अच्छा गोल्डन कलर में फ्राई करना है। बार बार एक तरफ से पलट के फिर दूसरी तरफ से पलट के इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, एक पकौड़ा तो हमारा लगभग फ्राई होने ही वाला है। इसको हम अब एक बार फिर से पलटेंगे। और बेसन भी आपका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मैंने इसमें फॉर्च्यून बेसन डाला है, मैंने इसमें खुला बेसन नहीं डाला है। अच्छी क्वालिटी का बेसन आप डालेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। इधर से कॉफ़ी भी बन रही है, मैं इसको चेक कर रही हूँ। देखिए, अब मैं इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लूँगी। मेरा पकौड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। टिश्यू पेपर पे निकालने से ये सारा एक्स्ट्रा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मैं इसमें कढ़ाई में दूसरा पकौड़ा डालूँगी। मैंने इसमें ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आपके पास जो भी ब्रेड अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, पर ब्राउन ब्रेड जो है हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती है वाइट ब्रेड की अपेक्षा। देखिए, मैंने इसमें दूसरा डाल दिया है पकौड़ा। और ये देखिए, हमारे पकौड़े रेडी हैं और मैंने इसकी प्लेटिंग भी कर दी है। आप इसको बनाइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए फाइनल लुक हमारे पकौड़े का और इसको मैंने कॉफ़ी के साथ सर्व किया है।